अस्सलाम वालेकुम, यू कैन सी ये हमने कराची में अपने रैबिट्स के लिए एक सेटअप किया था, थोड़ा सा ओपन किया है ताकि इसमें थोड़ा सा शेड हमने ऊपर सेटअप किया हुआ है पूरा ताकि ठंडा रहे, और नीचे भी हमने ये भालू मट्टी और कुछ मटकों के साथ भी सेटअप किया है। यू कैन सी माय डॉटर इज एक्चुअली प्लेइंग विद दीज रैबिट्स आल्सो। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं जो हमने थोड़ा सा सेटअप किया है ताकि इसमें हवा भी रहे, और ये कुछ हमने हवादार सेटअप करने की कोशिश की है जो कि इस वेदर में इनके सर्वाइवल के लिए हो ताकि जिसमें सर्वाइव कर सके। तो यू कैन इजीली सी कि उन मटकों के अंदर ये ऑलरेडी कुछ खरगोश जो हैं अंदर दे आर रेस्टिंग, तो इट सीम्स ये प्रैक्टिकल जो हमने किया था ताकि देख सकें कि इनको इतना कम्फर्ट फील हो रहा है, ये काफ़ी हद तक बेहतर लगा। बस हम कर ही रहे हैं कि रोज़ाना की बेसिस पे इस जगह को हमारा बंदा पानी छानी डाल के थोड़ा ठंडा कर देता है, और दिन में से जिन खरगोशों को यहाँ छोड़ देते हैं हम लोग, कंसिडरिंग कि हमारा बंदा यू नो मॉनिटर करता रहे कि कोई और जानवर आके इनका शिकार ना कर दे। बाकी इट सीम्स वर्किंग फाइन माशाल्लाह से, एक्सपेरिमेंट इज वर्किंग फाइन, तो दैट इट इज। तो अगर आप लोगों का इरादा है कि जी अंगूरा को इस गर्मी के वेदर में कराची में कैसे सेव करना है, तो आई थिंक ये एक हमें एक लर्निंग है यहाँ पे जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं।